मैं मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, 3 बजे का लेटर आया था, 3 बजे के पहले बैठे खत्म हो गई। आपको समझ नहीं कि ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की बात, कम्युनिकेशन गैप। माने मुख्यमंत्री जी ने तो इस तमाम चीजें बहुत पहले निर्धारित कर दी थी, क्या निचले स्तर पर अधिकारियों ने, मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्धारित किया मुझको नहीं पता। मुझको सिर्फ आज की बैठक के बारे में पता है कि 3 बजे का पत्र हमको मिला था। अधिकारियों ने बीजेपी विधायक को लगता है गंभीरता से नहीं लिया, वो भी इतने सीनियर विधायक पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको गंभीरता से नहीं लिया, ये तो मजाक वाली बात हो गई। आपने सुना विधायक जी को, बीजेपी के सीनियर विधायक है मां कौशल के, अजय विश्नोई मंत्री भी रहे हैं, विधायक जी को 3 बजे बुलाया, मीटिंग 1:30 बजे हो गई, क्या है ये माजरा? शुरुआत में दरअसल मैंने विधायक जी की बात सुनाई आपको, विधायक अजय विश्नोई है पाटन से, जो ये साफ तौर पर कह रहे थे कि पता नहीं क्या कोऑर्डिनेशन है ये, किस तरीके की मीटिंग बुलाई गई थी, और विधायक जी जो है उनका गुस्सा फिर अफसरों पर निकला। दरअसल विधायकों को बुलाया गया मीटिंग में, सांसद को बुलाया गया, जनप्रतिनिधियों की ये बैठक, दरअसल मोहन यादव जब से सीएम बने हैं संभाग स्तर पर आपको पता है एसीएस की नियुक्ति की गई है, यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और एडीजी स्तर के अधिकारियों की, जो कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, चाहे विधायक हों या सांसद, और उनसे बात करके विकास कार्यों की रूपरेखा तय करेंगे। बस इसी मीटिंग के लिए अजय विश्नोई को बुलाया गया था, अजय विश्नोई को बुलाया गया 3 बजे, मीटिंग 1:30 बजे ही हो गई। एक बार फिर सुनिए विधायक जी की बात। मैं मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, 3 बजे का लेटर आया था, 3 बजे के पहले बैठे खत्म हो गई। आपको समझ नहीं कि ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की बात, कम्युनिकेशन गैप। माने मुख्यमंत्री जी ने तो इस तमाम चीजें बहुत पहले निर्धारित कर दी थी, क्या निचले स्तर पर अधिकारियों ने, मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्धारित किया मुझको नहीं पता। मुझको सिर्फ आज की बैठक के बारे में पता है कि 3 बजे का पत्र हमको मिला था, उसके हिसाब से मैं 3:10 पर आ गया हूँ। यहाँ आके मुझको बताया जा रहा है कि बैठक 1:30 बजे शुरू हो गई, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। धान उपार्जन को लेकर बातचीत हुई है? धान उपार्जन में किसान परेशान हो रहा है, क्योंकि अधिकारियों की नेट लतीफी के कारण जो फैसला, जो पत्र 29 नवंबर का आया था, उस पर 25 दिसंबर तक कार्रवाई नहीं हुई, और आज तक उसका निराकरण नहीं हो पाया है। अजय विश्नोई खासी नाराज भी नजर आए, और उन्होंने कहा कि ये अधिकारियों की लापरवाही है, ये किस तरीके की स्थिति है, जहां पर जनप्रतिनिधि जो हैं अजय विश्नोई, उनको 3 बजे बुलाया और मीटिंग 1:30 बजे ही कर ली। इतना ही नहीं, विधायक जी का जो गुस्सा है वो निकला धान खरीदी घोटाले को लेकर भी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ अच्छी योजना चला रही है, महिलाओं की 100 सहायता समूह को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए, अधिकारियों को आरोपों के घेरे में लिया और तमाम तरीके की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते दिखे अजय विश्नोई। अजय विश्नोई काफ़ी सीनियर विधायक हैं बीजेपी के, पुराने नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। एक नई पहल मोहन यादव ने की है कि भाई अधिकारियों को प्रभार दिया गया है संभाग का, जो हर संभाग में मीटिंग करेंगे, ताकि जनप्रतिनिधियों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो और उस कोऑर्डिनेशन से सरकार की योजनाएँ लोगों तक पहुँचे। अब योजनाओं तो लोग तक पहुंचे, लेकिन विधायक जी टाइम पर पहुंचे और उनको पता चला कि मीटिंग हो गई। अब इस तरीके का अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है सवाल उठे। जबलपुर से आप तक पर पहुंचाई धीरज शाह ने, आप देखते रहे अभी तक।